हेलो एवरीवन, मेरे ग्रीन लाइव चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और जो ये आज की वीडियो है, तो कुछ मैं थोड़े से सीड्स भी लगाऊंगी, जैसे एडेनियम और कुछ और भी। और पहले मैं आपको इधर का दिखा देती हूँ थोड़ा सा। देखो कितने खूबसूरत फूल खिले हैं, सभी कलर के। तो ये गुलाब के देखो, और इतने सारे नीचे से लेकर इतने सारा आपकी बार गुलाब आया है। तो मैंने तो अपने गुलाब पे कभी देखा नहीं था। तो ये देखो कितनी ऊँची ऊँची इसकी स्टेम हो गई, और कितने प्यारे फूल लग रहे हैं। और ये देखिए इसमें बर्ड्स भी काफ़ी बने हुए हैं। और अब की बार तो ऐसे गुच्छों में आ रहे हैं, ये देखो ये गुच्छों में आ रहे हैं फूल, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो कलियाँ भी हैं, फूल भी हैं, और ये रेड है, और सारे ही जितने भी कलर हैं मेरे पास सभी वो खिल के आ रहे हैं। और अभी दो दिन की धूप पड़ी तो ये देखो सूख गए जल्दी, कितने सारे। तो मेरे ये देखो ये सूख भी गए, और कितने नए भी आ रहे हैं ये देखो। और ये पिंक कलर का बहुत ही प्यारा लगता है ये देखो, ये वाला बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये मेरा अनियन और पिंक है मिक्स, तो ये अलग अलग हैं, और बहुत सारे कलर हैं। और मैरून भी है डार्क, और इधर एक ब्लैक और मैरून है जिसे हम ब्लैक कहते हैं, ये देखो इस कलर का। तो इसमें भी कई सारे बने हुए हैं, ये देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये डार्क मैरून और ब्लैक है इसमें, तो इसमें भी काफ़ी सारे बने हुए हैं। और मेरे गेंदा पे भी ये देखो आ गए हैं कितने खूबसूरत से, और ये देखो सभी पे फूल हैं। और ये मेरा टॉर्निया, इस पर जब मैंने लिया था ये तभी तो फूल थोड़े थोड़े दिखे थे, और अब इस पर देखो कितने खूबसूरत से, इस पर भी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है, कई सारे लगे हुए हैं, तो फूल भी काफ़ी लगे हैं। और ये देखो ये मेरा एलामंडा, तो इसका तो मैं आपको बार बार दिखाती हूँ, ये मुझे बहुत ही पसंद है रेड कलर में, क्योंकि मैंने कभी पहले नहीं देखा था। ये देखिए बहुत ही सुंदर है इस पर, और इनमें बर्ड्स भी काफ़ी बनी हुई है। तो ये वैसे तो ये वेल वाले होते हैं, तो ये देखो ये वेल सी ऊपर जा रही है, क्रीपर होते हैं, लेकिन मैं यहाँ से इसको कट कर दूँगी, तो ये मैं इसको प्लांट के रूप में ही रखूँगी, क्योंकि मेरे पास जो बेल वाले हैं तो वो ये देखो खिल भी नहीं रहे हैं, वो तो बेल इतनी फैल गई, मैंने कल बहुत सारी काट भी दी। तो मुझे तो ये प्लांट के ही रूप में अच्छे लगते हैं, क्योंकि फूल जो है ये भी प्लांट से रहते हैं, इनमें ज़्यादा आते हैं, और ये बेल तो फैलेगी पहले काफ़ी सारी और फिर उसके बाद आती है। तो इसको भी मैंने यहाँ से कट कर दिया, नहीं तो इसमें भी बेल बन जाती। ये देखो ये यहाँ से कट किया तो इसमें दो आ गई, तो ये अच्छे लगते हैं। अब ये देखिए गुलाब के तो ऐसे बिखरे पड़े हैं ना मेरे पास, काफ़ी सारे फूल जो है आते हैं इन पे। देखो ये बड़े सुंदर लगते हैं, ये बड़े बड़े फूल एलामंडा के, और बहुत सारे कलर में है मेरे पास ये। तो ये शंखपुष्पी भी मैंने ये प्लांट का रूप बना दिया, और कई सारी शंखपुष्पी भी हो गई है, कलर तो दो ही है मेरे पास। और इधर भी सारा देखो अच्छा ही खिल रहा है, खूब सुंदर लग रहा है। और ये सब मैं जल्दी दिखा देती हूँ, फिर मैं दूसरी साइड जाने वाली हूँ अपनी, उधर दिखाती हूँ किस तरह का है। ये देखिए ये हमारा ये गुफा प्लांट भी अच्छे से चल रहा है, इसमें भी काफ़ी फ्लावरिंग है। और इधर हमारा ये मैक्सिकन पिटोनिया के भी बहुत अच्छे लगते हैं अपने, ये देखिए। और अब मैं जा रही हूँ दूसरी साइड में, उधर दिखाने वाली हूँ। और ये जीनिया के भी देखो कितने खूबसूरत फूल आ रहे हैं, और इधर जैस्मिन भी, ये देखो प्यारे प्यारे। और देखो मिर्च भी मेरी कितनी है, अभी कितने समय हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, और मिर्च भी आनी शुरू हुई, मतलब एक सवा महीने में प्लांट भी बीज भी बिखेर दिया। और कितनी खूबसूरत इसमें ऊपर से ये लोमिया मिर्च कहते हैं, ऊपर को लगती है ये, तो ये देखो ये काफ़ी सारी गुच्छों में ऊपर को जाती हैं, ये बहुत ही अच्छी लगती है, और खाने में भी चटपटी हैं, बहुत अच्छी हैं। तो ये किसी दिन मैं हार्वेस्ट करूँगी इनको, क्योंकि ये बहुत बड़ी नहीं होती, बस इतनी छोटी सी ही होती है, और फिर ये हल्की ऑरेंज फिर रेड हो जाती है। तो चलिए मैं अब अपने उधर वाले दूसरी तरफ दूसरी साइड में जाती हूँ। डेजर्ट रोज़ कहते हैं, और अडेनियम भी कहते हैं। तो ये देखिए उसकी मेरे पास एक फली थी, ये देखो तो इतनी लंबी फली होती है, तो उसमें ये बीज ये फली तो फट जाते हैं, तो ये फट के ये सारे बिखर जाते हैं। तो ये देखिए ये सारे इस तरह होते हैं दोनों तरफ से, इनमें ये वाइट वाइट ये लगा होता है, तो मैं दिखा दूँ आपको किस तरह का होता है इसका बीज। ये देखो कुछ इस तरह का होता है,
और इसको तो हटा देते हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो फिर इस तरह का बीज हमें ये मिल जाता है। तो ये इसका बीज होता है और इसको जो है मैं लगाने वाली हूँ आज। तो मैंने मिट्टी भी तैयार कर ली, इस ये गार्डन सोयल, और इसमें नीम खली है। अगर नीम खली नहीं है तो आप इसमें इसमें हल्दी डाल सकते हैं फंगीसाइड के लिए। तो बस इसको क्या करना है, बारीक कर लेना इसको, और इसको थोड़ा सा इस तरह से जगह बनाओ और इसको ऐसे रख दो, ऊपर से हल्की सी मिट्टी रख दो। बस इसी तरह सारे लगाने हैं हमें, और इसको मैं सभी को निकाल के दोनों साइड, ये देखो आराम से निकल जाती है, ऐसे ही लगाने वाली हूँ। ये देखो, तो थोड़ी सी मिट्टी बस यहाँ लगाया था हमने, अब यहाँ लगा देंगे इसको, थोड़ी सी मिट्टी और ये ऊपर इस तरह। और फिर इस पे हम सब पे जितने भी हमें ये सीड्स लगाने हैं, उसके बाद हम पानी का स्प्रे कर देंगे इस पे, जो स्प्रे बोतल होती है। बस ये कुछ दिन में हमारे, एक हफ्ते में ये हमारे प्लांट निकल के बाहर आ जाएंगे। फिर और जब सीड्स ये जम जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे, तो मैं उसके बाद आपको इसका अपडेट बाद में देने वाली हूँ। और देखिए इसमें अब मैं पानी लगाना है, तो ये स्प्रे बोतल है तो इसी से लगाना है। ये देखो आजकल क्या है, बरसात में गिल्ली रहती है मिट्टी, तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं बहाना है इसमें, ये पानी सोख ले ऊपर से, बस इतना ही देना है। अब ये पानी इसका एब्जॉर्ब हो जाएगा। और इसमें एक बार बता दूं मैं आपको, बस ये गार्डन सोयल है खाली, और इसमें नीम खली है और कुछ भी नहीं है। और इसमें हमें, अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो हल्दी भी डाल सकते हैं। और इसमें कोई भी किसी भी तरह का केमिकल खाद या कुछ भी नहीं डालना है। तो ये देखिए, ये मेरे लग के तैयार हो गए। देखो मैंने इधर ये करेले के बीज डाले थे, जो हम करेले खाते हैं उसी का एक पका हुआ था, तो मैंने इसमें डाल दिया। तो देखो इतने बड़े बड़े हो गए हैं, तो ये हमारे फ्री में ही तैयार हो जाएंगे। ये देखो, तो ये कई सारे प्लांट, इसमें चार प्लांट जम गए। तो ये देखो, तो ये अब इसमें बेल निकलनी शुरू हो जाएगी, तो मैं इसको सपोर्ट दे दूँगी बस। और इधर लिलीज वगैरह भी रखी हैं, और ये देखो ये करक्यूमा लिली है, उसके प्लांट भी लगे हुए हैं, जगह जगह लगा दिए मैंने, काफ़ी सारे बल्ब निकले थे, एक बार ले लिए मैंने तो बहुत सारे बल्ब निकले थे उसके। और इधर ये मैंने भिंडी के लगाए थे, तो ये भिंडी के कुछ बंदा ने निकाल दिए और एक बचा है बस। और ये देखो करेले का भी ये लगा हुआ है। इधर इधर क्या होता है, मैं बीज वगैरह डालती रहती, तो ये देखो इसमें मैंने ये जो होता मैरी गोल्ड, इसमें भी डाले और उसमें डाले, ये सब मेरे जो फूल थे मैं पूजा के लिए यूज़ करती हूँ उसी को इसमें डाल देती हूँ जब सूख जाते। और इधर भी मैं आपको दिखाती हूँ इधर की साइड का कितने सारे प्लांट लगा रखे हैं मैंने। ये देखो, ये वही है जो एक बार फ्रेश, ये फ्रेशिया प्लांट लिए थे मैंने, पीले कलर, बहुत सुंदर पीले कलर का था। और करक्यूमा लिली लिया था मैंने, जो जिंजर प्लांट होता है, तो वो उसके ये बल्ब अलग अलग लगा दिए हैं। और ये छोटे छोटे प्लांट लिया था, ये भी ये बल्ब से ही चलता है। तो ये भी है, इसका नाम याद नहीं रहा मुझे, इसको मैंने डिवाइड करके इधर कर दिया और एक इधर कर दिया, क्योंकि मेरे पास बल्ब वाले भी बहुत सारे प्लांट हैं। और इधर देखो ये मैंने रखा है, ये प्लांट रख दिया है इधर, तो इस पर भी फूल नहीं है, ये इधर ही रखे हैं। तो उधर अलग है मेरे प्लांट, ये इधर अलग है, तो दो प्लांट मैंने इधर रखे। और ये उसके हैं, क्या कहते हैं, ट्रम्पेट, तो ये दो है, ये फूल इन पे अभी आए नहीं है, इनका पता ही नहीं कौन से कलर का है। तो और ये देखिए मेरा ये एलोवेरा कितना अच्छा खड़ा है, मगर ये अगर मैं धूप में रख देती तो ये और भी अच्छा होता, क्योंकि इसे पूरी धूप चाहिए। और इधर ये देखिए, ये कटिंग लगा के मैं इनको लगाती रहती, कोलियस के प्लांट। और एक इधर है, ये भी मैंने कटिंग से ही छोटे से डिब्बे में लगाया था, इधर अलग लगाया।
और ट्रैम्पेट का इधर है, इस पे भी अभी फूल नहीं है। और ये मेरा गुलाब का है, तो ये मैंने कटिंग से ही लगाया था। ये देखो कितना अच्छा चल गया है। और उधर अफ्रीकन जो मैंने वो लगाए थे डेजी अफ्रीकन, ब्लू डेजी अफ्रीकन, तो ये उसका प्लांट है। तीन प्लांट थे मेरे पास, ये एक ही बचा है। और ये आगे, और यहाँ पे मैंने ये जामुन का लगाया था, जो जामुन खाई थी पिछले साल तब लगाया था। देखो इतना बड़ा प्लांट हो गया मेरा, कितनी सुंदर सी लिप्स हैं इसमें। और ये मेरा कितना खूबसूरत, ये एरो रूट है, देखो कितना खूबसूरत इसकी लिप्स होती है। ये मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये इधर रखा रहता है, कई सारे प्लांट मेरे इधर भी रखे हैं। और ये स्पाइडर वाल्ट है, इसको मैं कटिंग से लगाने वाली हूँ, इसको यहाँ से। तो ये पहले भी मैंने कटिंग से ही लगाया था, यहाँ से कट कर दूँगी और एक यहाँ से लगा दूँगी, दो कटिंग बन जाएंगी इसकी। तो कितना सारा हो जाएगा ये भी मेरे पास। और ये देखिए, मैंने कम से कम 7 साल पहले ये प्लांट लिया था, तो आज भी मेरे पास है ये। तो ये मुझे उन्होंने सुलाब बोल के लिया था, दिया था। तो इसकी पत्तियाँ देखो इस तरह से निकलती हैं, और मैं इसको कट करती रहती हूँ, फिर नई नई पत्तियाँ इस तरह से निकल जाती हैं इसमें। तो ये मुझे इसकी पत्तियाँ बहुत सुंदर लगती हैं। इसी के बगल में एक केला लिली, इस पर रेड कलर का फूल आता है, ऑरेंज और रेड, तो इसमें ये लगा हुआ है। अभी इस पर नहीं आए इस साल, क्योंकि ये इसमें कई सारे प्लांट लगे हुए हैं, शायद इसलिए इनको मैं डिवाइड कर दूँगी अभी बरसात में ही। और ये मेरे सदाबहार भी खड़े हैं। और ये देखो मेरा कनेर का, ये लंबे प्लांट से ही मैंने लिया था, तो ये देखो पिछले साल ये अभी भी चल रहा है, मतलब इसमें लगा हुआ। मैं इसकी कटिंग ऊपर से कर देती हूँ। और ये मेरा सूख गया है सदाबहार का। उधर मेरा स्पाइडर भी रखा पीले वाले बड़े से डिब्बे में, बहुत सुंदर है वो भी। और उधर मेरा ये U4 फैमिली का रखा है, बहुत बड़ा ये U4 फैमिली जो है, तो कम से कम ये 7-8 फीट का था जहाँ से मैं ये कटिंग लेके आई थी। तो ये रेड कलर का है, तो पता नहीं फूल तो कब आएंगे इस पर, लेकिन इसकी बहुत बड़ी बड़ी पत्तियाँ हैं और काफ़ी मोटा ये इसका स्टेम है। तो ये देखो मैंने सब आज इधर कि ये सारे जितने भी प्लांट रखे थे सब मैंने बता दिए हैं आपको, दिखा दिए। तो ये मैं पहली बार आई हूँ इधर। और ये देखिए ये मेरा डहेलिया का है, और ये इसकी लंबी स्टेम होगी, इसको मैं कटिंग कर दूँगी, यहाँ से 2-3 कटिंग बन जाएंगी इसकी। तो ये मेरा देखो एक ही बचा है, मेरे कई सारे प्लांट थे खूब सुंदर सुंदर, तो क्या हुआ वो बारिश से गल गए। और ये मैंने छाया में रखा था, तो शायद इसलिए ये बच गया। और यहाँ पे ये कटिंग लगाई है, ये देखो अफ्रीकन डेजी की, ये भी चल गई है। और यहाँ पर ये मैंने जो कटिंग लगाई थी दिखाई थी आपको गुलदाउदी की, ये वो है, ये भी चल जाएगी। और ये देखिए पर्सनेल का काफ़ी सारा मैंने ये कटिंग से ही लगाया था, अब देखो कितना सारा फैल गया है। ये कई कलर में लगाई थी मगर ये ही ज़्यादा है, ये रानी कलर का होता है, ये ज़्यादा है। और एक मैंने ये कद्दू की बेल लगाई थी, देखो कद्दू की बेल कहीं पे खड़ी हुई थी सड़क के किनारे, तो ये वहाँ से मैं लाई थी। तो ये बहुत सारे पत्ते थे इसमें जगह जगह, तो ये सारे सूख गए, बस एक ही बचा है। और अब इसमें ये निकल के आ रहे हैं छोटे छोटे, तो ये चल गया, ये भी मेरा चल गया है, ये देखो। और इधर एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए इस यहाँ से ले कर वहाँ तक ये पूरी लाइन है। तो मैंने ये इतने सारे इधर रखे हुए हैं, और भी मैं काफ़ी सारे यहाँ पे इधर ही रख दूँगी, क्योंकि उधर ज़्यादा ही भीड़ हो गई है, तो काफ़ी सारे प्लांट में ये इधर ले आऊँगी। और अगर हम कोई भी कटिंग लगाते हैं तो हमें या तो नीम फली लेनी चाहिए, या हल्दी पाउडर, या एलोवेरा का, ये एलोवेरा होता है, तो इसकी हेल्प से भी लगा सकते हैं कटिंग को। और ये देखिए, और मैं अगर कोलियस की कटिंग लगा रही हूँ तो मैं ये नीम खली डालूँगी। और ये मैंने मिट्टी ले ली, और ये नीम खली ले ली, तो ये फंगस नहीं लगती इसमें बिल्कुल भी, इसलिए मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ आजकल, ये नीम खली को। और कटिंग में जो लगाऊँगी तो वो एलोवेरा लगाती हूँ,
जिससे पंगा से ना लगे। तो ये बड़े हमारे आराम से चलते रहेंगे अगर हम इसको यूज करेंगे तो। और ये मैंने गमले लिए हैं, तो ये 10-10 रुपए के हैं और मैं इसी को लगाने वाली हूँ इसी में। और एक ये है, ये देखो इसमें ये कोलियस की कटिंग रह गई थी मेरी, ये इसको लगाऊंगी। और ये 10-10 रुपए के गमले हैं, तो गमले भी अच्छे हैं देखो। और मैंने जो होल कर रखा था पोट में, मैंने इसको लगा दिया है, दिए हैं टूटे हुए। अब मैं इसमें मिट्टी फिल कर दूँगी बस। और इसमें गमले में मैंने मिट्टी फिल कर ली है, सोयल जो मैंने तैयार करी थी नीम खली डाल के। और मैंने ये एलोवेरा भी कटिंग पे लगा लिया है। और देखिए अब मैं इसे फटाफट लगा दूँ, ये 4 लगाऊंगी, 4 कटिंग कोलियस की। तो ये देखो, और ये बीचों बीच लगा दूँगी बड़ी सी। इसको मिट्टी चारों तरफ से ऐसे घुमा दीजिए। और मैंने इसकी देखो पहले पत्तियाँ निकाल दी थी ये सारी नीचे की, तो तभी लगा रही हूँ। और ये देखिए एक ये भी लगा दिए, और मैंने ये चारों ये लगा दिए बस। ये देखिए अब ये लगने के बाद कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर प्लांट है मेरे, और आपने देखे मेरे कोलियस के बहुत सारे प्लांट हैं मेरे पास, मैंने पहले भी लगाई हैं और आज भी ये लगाई हैं। तो ये नए प्लांट अच्छे रहते हैं, जितने पुराने प्लांट की कटिंग लगाओगे नए प्लांट बनाओगे उतने ही ये कोलियस के अच्छे रहते हैं। स्प्रे बॉटल से इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी मैं, ये देखो इससे इनकी पत्तियों पर भी डाल दूँगी ये, जिससे सूखे ना, क्योंकि आजकल के हमारे यहाँ थोड़ा सा कभी धूप हो रही है, कभी बादल हो रहे हैं, कभी बारिश हो रही है। तो अभी अगर मैं लगा लूँगी इसके तो ये काफ़ी सारे प्लांट मेरे बन जाएंगे। अब जब इसकी सोयल सूखने लगे या प्लांट सूखने लगे तो इस पर थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, क्योंकि इसका जो ये पत्तियाँ होती हैं बहुत जल्दी सूख जाती है बिना पानी के। तो इसे हमें नमी बना के रखनी है इसमें। और अब मैं इसको बिल्कुल छाया में रख दूँगी, यहाँ पे मेरी छाया रहती है, तो मैं इधर रख दूँगी इनको सभी को। ये यहाँ रख दिया छाया में मैंने बस। और ये खूब सारे मेरे प्लांट, इधर की साइड मेरी कैसी लगी? और अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और पहली बार हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करें। और लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।